वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से पिछली वीडियो में जैसा कि हमने फाइंड किया था वेबसाइट और ईमेल टेम्पलेट हमने गूगल से लिए थे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से गूगल को यूज़ करते हुए क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान और ईजी तरीका है, और इसके लिए आपको किसी खास एक्सपर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने टेम्पलेट भी बताया हुआ है। एक टेम्पलेट होता है कि हम वेंडर साइट वाले को सेंड करते हैं ताकि वो जो है ना रजामंद हो जाए और हमें गेस्ट पोस्टिंग लगाने दे, लेकिन दूसरा टेम्पलेट वो भी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। एक वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ये टेम्पलेट आप सेंड करें, चाहे आपको क्लाइंट मिलता है फेसबुक पे, चाहे मिलता है आपको लिंक्डइन पे, चाहे मिलता है किसी भी सोशल नेटवर्क पे, तब आप ये सेंड कर सकते हैं तो आसानी के साथ वो रजामंद हो जाएगा, उसके बाद आपने उनकी गेस्ट पोस्टिंग लगा देनी है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको गूगल यूज़ करने का तरीका बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल को यूज़ करते हुए फाइंड कर सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट। नंबर वन, जिस तरह से हम फाइंड करते हैं वेबसाइट, जैसा कि मैं एक कीवर्ड सर्च करता हूँ गूगल में, हाउ टू ग्रो वेबसाइट फास्ट, तो जितनी भी वेबसाइट आती है मैं कोशिश करूँगा थर्ड पेज पर, फोर्थ पेज पर, फाइव पेज पर, फिफ्थ पेज पर जाऊँगा ताकि मुझे लो अथॉरिटी वेबसाइट मिले और उनको मैं फाइंड करो। जैसे ही उनको फाइंड करूंगा उनका कंटेक्ट अस पेज फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं सेम एज इट इज़ वो टेम्पलेट उनको पेस्ट कर दूंगा। वो टेम्पलेट लाजमी से रीड करेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड हुए तो रिप्लाई करेंगे। और बाय द वे यहाँ पे रिप्लाई के चांसेस बहुत काफ़ी कम है, क्योंकि रिसेंटली मुझे भी काफ़ी सारे इस तरह के ईमेल आते हैं, भैया आप गेस्ट पोस्टिंग लगाए आपको इतना फ़ायदा होगा, लेकिन मैं रीड कर लेता हूँ लेकिन मैंने उन्हें कभी रिप्लाई नहीं किया। तो मे बी आपको भी रिप्लाई आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। तो ये मेथड था, ये वेज था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं आपको मिलता हूँ जब किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।